नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है आपकी तैयारी यूपीएससी के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी, और अगर अच्छी चल रही है और उसे और अच्छा बनाना चाहते हो तो आ गया है इस साल का बजट। जी हाँ, ये बजट क्या होता है, ये तय करता है भारत की दिशा क्या होगी और दशा क्या होगी। ये बजट संभावनाएं पैदा करता है, भारत का लेखा जोखा बताता है। अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो, यूपीएससी करने के इच्छुक हो और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बजट को जानना। बजट 2024 कहता है भारत को एक विकसित भारत बनाना है, यानी डेवलप कंट्री बनाना है 2047 तक। साल 2023 के बाद भारत 2047 तक एक अमृत काल का प्रयोग कर रहा है, जिसके तहत भारत ऐसे कदम उठा रहा है जिससे साल 2047 तक वो डेवलप बन जाए। ये सब बातें, इनकी बारीकियां, क्या सरकार कर रही है, क्या सरकार करना चाहती है, आपके लिए क्यों जानना जरूरी है बजट, ताकि आप इस एग्जाम को, यूपीएससी के प्रीलिम्स को और किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको क्लियर कर पाए। तो मैं चाहता हूं कि आप आइए और इस बजट को पढ़ना सीखिए। बजट के लिए चाहे आपको जीरो नॉलेज है इकोनॉमिक्स की, तो भी आप बजट सीख सकते हैं, और अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है कुछ करने की, तो आपके लिए बजट जानना इस साल का बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हमने सेशन रखा है बजट के लिए, एक स्पेशल सेशन, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली बजट से आपको क्या लाभ होने वाला है और क्या फायदा। तो इसके लिए आइए एक्सेप्शनल आईएएस एकेडमी श्रीनगर के अंदर, और आइए सीखिए हमारे साथ कि बजट और उससे रिलेटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या जानना है और क्यों जानना है।